Hi guys, how are you? So guys, my name is Kewal Kishan. I am Business Automation Expert. Dosto, I welcome you to my series called G Suite Business Automation. This series, I am covering a lot of beautiful topics on Google Forms, Google Sheets, Google Calendar, Google Keep and all. Okay. Now, before proceeding further, I want you to quickly do one thing. I want you to subscribe the channel and hit the bell icon so that whenever my new video comes up, you should already know in advance. Okay. So guys, आज का topic बहुत interesting है. Okay. आज का topic ये है कि आप कैसे Google Sheet में data prepare कर सकते हैं और data clean कर सकते हैं. Guys, I know that the kind of pain you guys go through when you're stuck कि data कैसे clean करना है, data कैसे prepare करना है Google Sheet में. But guys, let me tell you, there are so many beautiful tools, so many beautiful features Google Sheet में which can help you to clean your data, to prepare your data. So guys, इस वीडियो में हम दो टॉपिक specifically cover करेंगे. एक है text to column and second is remove duplicates. Okay, text to column जहाँ पे आप एक particular cell का जो data है उसको multiple columns में convert कर सकते हैं, and second is remove duplicates, इसमें आप data में duplicacy जो हो उसको remove कर सकते हैं, and maybe third topic which will include in this is called trim white spaces. अगर डेटा में white spaces हैं, so वो भी हट सकते हैं. जो मेरा next video है, guys, उसमें मैं ये cover कर रहा हूँ कि how to create groups and ungroups and how to include checkboxes in the columns in Google Sheets. So guys, let's set it, let's learn on how to prepare and clean your data. So guys, as you can see, this is a Google Sheet that we have, okay? And there are this data set which is available. So यहाँ पे first name, comma, space, सेकेंड नेम दिया हुआ है इंसान पे. अब इसको स्प्लिट करते हैं जिससे फर्स्ट नेम अलग हो जाए और सेकेंड नेम अलग हो जाए. सो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट देन डाउन एरो से या फिर कमांड शिफ्ट डाउन एरो से, राइट. नाउ सिलेक्शन इज डन. अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली डेटा टैब पे जाना है. व्हेन यू गो टू द डेटा टैब, देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम. So when you click on the split text to column, Google is going to detect automatically कि कौन सा separator है और उसके basis पे वो data को split कर देगा. अगर Google को clarity नहीं आती है, फिर वो आपसे पूछेगा कि कौन से data, कौन से separator पे इसको divide करना है. So should we click it? Yes, let's go ahead. अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है, तो automatically उसने detect कर लिया कि comma और space थे उसमें differentiator separator, और उसने फर्स्ट नेम को एक कॉलम में कर दिया, सेकंड नेम को लास्ट कॉलम में कर दिया. सो गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिंपल फीचर कॉल्ड स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम. आप देख सकते हो विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन आपका डेटा स्प्लिट हो गया है. अब एक और सैंपल चेक करते हैं गाइस. फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी देयर इज वन मोर सैंपल जहां पे आपके पास ईमेल आईडीज है, राइट. सो देयर आर फोर सैंपल ईमेल आईडीज. अब इसको स्प्लिट करते हैं बेस्ड ऑन द एट द रेट साइन. एट द रेट साइन से हम डोमेन नेम और उसके यूजर नेम अलग करना चाह रहे हैं. सो लेट्स सी हम कैसे इसको कर सकते हैं. सो जैसे ही मैं डेटा में जाता हूं, डेटा की केस में मुझे यहां पे क्लिक करना पड़ेगा ऑप्शन पे जिसका नाम है स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम. यस, जैसे मैं क्लिक करता हूं, ये मुझसे पूछा है सेपरेटर. अब ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट नहीं कर पाया कि मुझे एट द रेट से स्प्लिट कराना है, बिकॉज देयर इज अनदर सेपरेटर कॉल्ड पीरियड व्हिच इज डॉट, राइट. सो आइदर इफ आई क्लिक ऑन द पीरियड, सो डॉट कॉम का कॉम अलग हो जाएगा एंड एट द रेट जीमेल और उसके पहले वाला डेटा अलग हो जाएगा. बट देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड कस्टम. अगर मैं कस्टम पे क्लिक करता हूं और अगर मैं एट द रेट डाल देता हूं, तो डोमेन नेम और यूजर नेम अलग अलग होगा गाइस. सो गाइस, अगेन दिस इज अ ब्यूटीफुल फंक्शनैलिटी ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम जिसके थ्रू यूजर नेम और डोमेन नेम अलग हो गए. दोस्तों, मुझे आई एम श्योर यू विल बी लविंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू माइट बी अमेज्ड कितना ईजी है गूगल शीट में चीजों को मैनेज करना, डेटा को प्रिपेयर करना. गाइज, अगर आपको गूगल शीट में मास्टरी करनी है, गूगल फॉर्म में मास्टरी करनी है, और स्पेशली अगर आप बिजनेस ओनर हो, आप चाहते हो पूरा का पूरा बिजनेस आपका जी सूट पे आ जाए, सो वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस ऑटोमेशन. आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक भी चेक कर सकते हो और आप वर्कशॉप में आके उसका बेनिफिट उठा सकते हो, अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो. गाइज, जो नेक्स्ट टॉपिक अभी मैं इसमें वीडियो में कवर कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रिमूव डुप्लीकेट्स. कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास काफी सारे ईमेल्स होते हैं मार्केटिंग के लिए और उसमें काफी सारी रिपीटेटिवनेस होती है. अ लॉट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल, व्हेन वी डाउनलोड द डेटा फ्रॉम टेली और उसमें ऑर्डर्स का डेटा है, उसमें कस्टमर्स भी रिपीट हो रहे हैं, आपको यूनिक कस्टमर्स चाहिए आउट ऑफ दैट. सो जो फंक्शनैलिटी आपको काम आएगी उसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स. अगेन, मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है. यहाँ पे जैसे मैं डेटा टैब में गया, सो यहाँ पे एक और फीचर दिया हुआ है जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स. अब जैसे ही मैंने रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझसे पूछता है कि which columns you want to select. So we already there is just one column, so I'll select it.
एंड आई जस्ट क्लिक ऑन द रिमूव डुप्लीकेट्स. अब गाइज आप देख सकते हो स्क्रीन पे दैट 5 डुप्लीकेट्स हैव बीन फाउंड एंड रिमूव ऑटोमेटिकली, 80 यूनिक रोज रिमेन द सेम. सो गाइज अगेन विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन ऑटोमेटिकली आई एम एबल टू you know remove the duplicates and I got the unique data. So guys, I'm sure you would be loving this topic on how to prepare and clean your data. मेरे next video में मैं ये cover करने जा रहा हूँ कि आप data को group ungroup कैसे कर सकते हैं और उसमें check boxes आप कैसे include कर सकते हैं. So guys, before that, do not leave the video before liking the video, sharing the you know video and subscribing the channel. I'll see you very soon with the next video. Thank you so much, guys. Keep learning, keep automating. Thank you.